पूजा के समय दिया जलाने का सही नियम जान लीजिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार ही दीपक जलाने से पूजा का सही फल मिल पाता है, अन्यथा पूजा से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि दिया जलाने के सही नियम क्या हैं। नंबर एक, माना जाता है कि घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। नंबर दो, ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाएं ओर रखें। नंबर तीन, बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर चार, मिट्टी या अन्य धातु से बने खंडित दिए को कभी भी पूजा में नहीं जलाना चाहिए। नंबर पाँच, ईश्वर की पूजा में हमेशा स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र मन से दिया जलाना चाहिए, और ऐसा करते समय क्रोध भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर छः, भगवान के लिए जलाए जाने वाले दिए को कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए, उसे किसी आसन या फिर पात्र के ऊपर ही रखना चाहिए। नंबर सात, पूजा में दीपक जलाते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर आठ, पूजा में जलाए जाने वाले दीपक को हमेशा भोर के समय से लेकर सुबह 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर नौ, वास्तु के अनुसार पूजा में जलाए जाने वाले दिए को कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर न रखें। मान्यता है कि इस नियम की अनदेखी करने वालों को शुभ की बजाय अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। नंबर दस, धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ ये होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती हैं। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।